मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश में जहां एक तरफ रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई, पर वहीं इसी रामनवमी के मौके पर एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जहां मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की पूजा आरती करते हुए देखी जा सकती हैं। धर्मनगरी काशी की ये तस्वीर है जहाँ मुस्लिम महिला फाउंडेशन से जुड़ी हुई ये महिलाएं भगवान राम की आरती कर रही हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त में रामनवमी के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम महिलाएं एक साथ मिलकर भगवान राम की आरती की। इसके अलावा मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजलीन अंसारी की उर्दू में लिखी हुई भजन को यहाँ पर गाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि उर्दू में यहाँ पर भगवान राम का नाम भी लिखा गया। इस मौके पर बालक महंत पतालपुरी मठ और मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजली ने क्या जानकारी दी है वो भी सुना। रामनवमी के पावन पर्व पे हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी और उनकी स्तुति गाई। पिछले 16 साल से ये मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती उतारती आ रही हैं और उन कट्टरपंथियों को जवाब दे रही हैं जो दुनिया में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लोगों को अलग करना चाहते हैं। और आज की आरती के माध्यम से और हम लोगों ने ये अपील की है कि भगवान श्री राम के नाम से ही शांति आ सकती है और भगवान श्री राम का नाम एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में शांति कायम करता है। आज पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है, आतंकवाद फैल रहा है, कट्टरता फैल रही है, नफरत फैल रही है, तो इन सब से मुक्ति का मार्ग भगवान श्री राम का नाम है। इसलिए भगवान श्री राम के बारे में हर जगह पढ़ाया जाना चाहिए, हर धर्म में पढ़ाया जाना चाहिए और भगवान श्री राम के चरित्र आदर्शों पर चलना चाहिए। यह विशाल भारत संस्थान के तत्व में कार्य हो रहा है और मुझे लगता है कि ये नेक कार्य है क्योंकि भगवान राम अभी जगत के दाता हैं और सबके रक्षक और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इंसानों की बात छोड़ दो, उन्होंने पशुओं के प्रति भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो जटायु हो, सुग्रीव हो, और हर व्यक्ति को उन्होंने गले से लगाने का कार्य किया है, सम्मान दिया है। ऐसी स्थिति में भगवान राम के चिन्हों पर चलने से व्यक्ति के जीवन में शांति, आनंद, वैभव इसमें सब प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है यह जो भेदभाव जो कट्टरपंथी वो रहे उनकी न सुन करके उनका जो है बात न मान करके भाईचारा को कायम रखें। हिंदू मुस्लिम पहले इंसान है, फिर कहीं कोई ना कोई भेद मत करता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम सबके इष्टदेव हैं और सबके पूर्वज हैं। मुझे लगता है सबको आराधना करना चाहिए और यह वाराणसी से एक नेक पहल है जो पूरे विश्व को